पीछे लगा ना। मेरे हो चुके 29 किल, इस बंदे को भी नॉक कर दिया। सामने मैंने एक बंदे को और नॉक किया था, मैं जाता हूँ रश करने। गाइस क्रिजी गेमर इज बैक अनदर एक्साइटिंग वीडियो। गाइस आज मेरे दोस्त ने मेरे से बोला था कि भाई तू आज जो है मेरी पसंद के कपड़े, मेरी पसंद के बैग, मेरी पसंद का हेलमेट, मेरी पसंद की स्किन्स लगा के तू खेल और भाई 30 किल करके दिखा। तो गाइस क्या लगता है मैं 30 किल कर पाऊंगा? और स्टार्टिंग में जो आप लोगों ने सीन देखा है वो इसी वीडियो का सीन है गाइस। बहुत ही खतरनाक सीन हुए थे, तुम देख रहे हो। 1 HP बची थी और अभी भी वहाँ पे 2 बंदे जिंदा थे। क्या लगता है वहाँ पे हम लोग चिकन निकाल पाते या नहीं निकाल पाते, जानने के लिए बस आप लोग को इस गेम प्ले को पूरा देखना पड़ेगा। अभी बात करें तो अभी हम लोग इवेंट पे आए। साथ है बंदे, साथ है, मारो। लास्ट 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 फिनिश करो इसको, फिनिश करो भाई। भाई इन 4 बंदों के साथ में जो हुआ है ना भाई, मैं क्या ही बताऊं। ऐसा सीन ऐसा नहीं कि इन्हीं के साथ हुआ है भाई, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। आप लोगों के साथ हुआ है या नहीं हुआ है भाई कमेंट करके बताना। बेचारों की फ्री फोकट में पेटी बन गई। खैर गाइस जो भी हो, यहाँ पे इनकी तो पेटी बना दी है लेकिन अभी भी 27 बंदे जिंदा हैं। और मेरे टीममेट को मैं रिवाइव देता हूँ, उसके बाद रश करते हैं। अब देखो यार, जब तक मेरा टीममेट रिवाइव हो रहा है उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ काम की चीज बता देता हूँ। गाइस आपको याद होगा पिछली वीड्रो मैंने बताया था कि भाई मैंने लगाया था 7000 का विड्रो, वो भी ड्रीम 99 में एक छोटा सा गेम खेल। और भाई देखो आज मैंने लगाया 12900 का विड्रो। और आज मैं आपको बताने भी वाला हूँ कि भाई मैं इतने पैसे जीत कैसे रहा हूँ, कौन सी ट्रिक है, कौन सा गेम खेलता हूँ मैं ड्रीम 99 के अंदर। गाइस मैं खेलता हूँ विंगो गेम, अगर आप लोग को नहीं खेलना आता तो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे कलर दिख रहा है और आप लोग को यहाँ पे नंबर दिख रहा है ना, और साथ ही में आप लोग को नीचे स्मॉल और बिग दिख रहा होगा। तो हाँ गाइस इनमें आप लोग प्रेडिक्शन कर सकते हो क्या आने वाला है और उस हिसाब से आप लोग भाई पैसा तो इतना कमा सकते हो ना आप लोग, इसमें क्या ही बताऊं। लेकिन हाँ उसका भी एक ट्रिक है, उसकी भी एक तरीका है, उसका भी एक कैलकुलेशन है, प्रेडिक्शन है, बहुत कुछ भाई, रिस्क मैनेजमेंट है, बहुत कुछ आप लोगों को करना है। सबसे पहले आप लोगों को देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आप लोग 1 रुपए लगाते हो और वो लॉस हो जाता है तो आप लोगों को फिर क्या करना है, आप लोगों को 1 रुपए से सीधा 10 रुपए नहीं लगाने भाई, 3 रुपए वहां पे लगाने, समझ रहे हो ना, मेरी बात को समझो। इस हिसाब से आप लोग को लगाना है। और 3 रुपए भी अगर लॉस हो जाता है तो फिर आप लोग को 9 रुपए लगाने। तो कुछ इस हिसाब से ये वाला गेम मैं भी खेलता हूं और आप लोग भी खेलो। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई आप लोग की 10000 रुपए सैलरी है और उसमें से आप लोग 10000 के 10000 ठोक रहे हो तो भाई ये बेवकूफी हो जाती है। 10000 सैलरी है तो उसमें से 500 रुपए या फिर 1000 रुपए इधर पे ऐड करो। और एक और चीज, थोड़ी सी हेल्प मैं भी कर सकता हूँ भाई। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है इसी का, ड्रीम 99 का, इसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई, बहुत सारे बंदे भी हैं उसमें और उसमें मैं आप लोगों को प्रेडिक्शन देता हूँ कि भाई स्मॉल आने वाला है या फिर बिग आने वाला है। देखो जितना मेरे को नॉलेज है उसी हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, 100% कोई भी एक्यूरेट नहीं बता सकता भाई इस चीज में, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो जितना मेरे को आता है उस हिसाब से मैं बताता हूँ। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है टेलीग्राम तो भाई लिंक मैंने आप लोगों को पिन कमेंट में दे रखी है, जाओ फटाफट ज्वाइन करो। और गाइस अब आती है विड्रो की बारी। भाई आप लोगों ने पैसे भी डिपॉजिट कर लिए, उसमें से पैसे को जीत भी लिया, अब विड्रो कैसे करें? विड्रो करने के लिए सिंपली सा आप लोग को अपने अकाउंट वाले सेक्शन पे आ जाना है और यहाँ पे डिपॉजिट के बगल में विड्रो का सेक्शन दिख रहा होगा, सिंपली सा यहाँ पे आप लोग को विड्रो लगा देना है। विड्रो की कोई टेंशन है नहीं, 1.5-2 घंटे में विड्रो आप लोग को अपने अकाउंट में गिर जाएगा। तो जाओ गाइस फटाफट ज्वाइन करो मेरा टेलीग्राम और डाउनलोड करो ड्रीम 99 को, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब देखो इस बिल्डिंग में तो कोई भी नहीं रहता, उसके बाद मैं टीममेट को रिवाइव देके यहाँ पे आ जाता हूँ और सामने की तरफ से गन साउंड भी आ रहा है और फुटस्टेप भी आ रहे हैं और देखो क्या होता है यार। ऊपर से आ रहा है, कोई ना भाई। यहाँ पर 1v4 तो हो जाता है लेकिन इन बंदों ने भाई मेरे टीममेट को नॉक करके पूरा फिनिश कर दिया भाई, क्या ही बताऊं। खैर जो भी होगा, इनकी तो पेटी बना दी है और अब बच चुके सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे। और तभी भाई मैं छत पे गया था और इतने में मेरे को ये जिन चाचा दिखते हैं और ये बंदा उनको लूट रहा था। तो आओ जरा जिन चाचा का भी बदला लेते हैं अपन लोग। ऐसे कैसे लूट सकते हो भाई, जिन चाचा सिर्फ हमारे लिए आए हैं।
चलो भाई ये था इस जगह का लास्ट बंदा, और इसी के साथ इस बंदे की भी हम लोग यहाँ पे पेटी बना देते हैं और पूरा का पूरा इलाका जो है ये क्लियर हो जाता है। लेकिन बात ये होती है कि भाई मेरा टीममेट नीचे भी मारा जाता है पोचिंग की में, तो मेरे को उतर के रिवाइव भी रिकॉल करना, रिवाइव क्या कद्दू दूंगा मैं, रिकॉल करना है इसका आ गया कॉल। लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है पोचिंग की में बंदे नहीं होंगे, रिकॉल टावर पे बंदे नहीं होंगे, इतना आसान होगा क्या रिकॉल करना? I'm recalling a teammate. वो दूसरी है गिफ्ट के पास, एक हमारे पास भी आई थी। चलो भैया यहाँ पर तो एक ही बंदा रहता है, फटाफट अपने टीममेट को रिकॉल करते हैं। और भाई रिकॉल करने के बाद मेरे को एक बोट मिलता है, मैं बोट की पेटी बनाता हूँ और तभी मेरे को दिखता है सामने चर्च पे एक बंदा। और बंदे को मैंने अच्छा खासा डैमेज दे दिया है, तो गाइस फटाफट रश करते हैं। लेकिन रश करने के बाद अब जो वहाँ पे होने वाला है ना भाई, तुमने और मैंने कभी किसी ने नहीं सोचा होगा ऐसा भी होने वाला है भाई। वहाँ पे एक बंदा दिखा ना तुम्हें, देखो कितने सारे, कितनी सारी टोली रहती है वहाँ पे। अबे कितने गंदे है भाई कैंपर। यार तो गेम ही देख रहे हो भाई, पता नहीं कहां कहां से पड़ी है मेरे को। एक बंदे को नॉक तो किया मैंने, लेकिन सामने वो बंदे ने मेरा किल चुरा लिया, उदू उसे भी नॉक कर दिया। खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन गाइस फटाफट टीममेट को रिवाइव देते हैं। और ये छोटू डन पता नहीं कहां से आ गया, खैर जो भी हो फटाफट टीममेट को रिवाइव देते हैं और देखते जरा इनको। भाई मैं तो ऊपर उतरा ही था, पता नहीं कहां कहां से गोली पड़ी, चंकी के अंदर से मारा मुझे किसी ने, क्लोज वाले तो मारे भी नहीं। अरे उधर भी उसके पीछे भी छतों पे भी है जिसने मुझे मारा। मेरे बैग में रहे लो पत्थर पे, तुम्हें हुई वॉच आउट। और भाई फाइनली इसी के साथ इन दोनों बंदों को हम लोगों ने नॉक कर दिया और एक की पेटी बना दी, इसकी भी पेटी बनाते हैं। और हाँ अब चलते हैं जरा इस कारल वाले बंदे के पास जो कि लेफ्ट से। इस कारल चला रहा था, आई होप कि आप लोगों को साउंड आया होगा। तो हम लोग आ जाते हैं सीधा इस कारल वाले बंदों के ऊपर रश करने के लिए, और ये लोग जा चुके भैया ड्रॉप लूटने के लिए। तो यहाँ पे मैं उतरता तो हूँ, लेकिन भाई बंदे इतने चालाक रहते ना कि लोग पूरा घूम के आके और सीधा ट्रिपल स्टोरी में चले जाते हैं। तो आओ जरा नेड नूट ट्राई करते हैं, बचाता हूँ सालों को। दो फूटे क्या? अरे एक एक इधर से आ रहा, राइट से डाउन ट्री जा रहा है। यहाँ पे देखो हम लोगों ने दो बंदों को तो नोक कर दिया था, लेकिन इनके दो जो टीममेट है वो है भैया सामने की तरफ, जो आप लोगों को चरदर उड़ते हुए दिख रही थी ना अभी, तो हाँ इन्हीं के टीममेट है। और वो बंदे अब क्या करते हैं, वो हमारे पास आते हैं, हम लोग उनके पास जाते हैं। देखो तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, वो बंदे क्या कर रहे हैं, स्मोक करके इधर आने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर रश करने की कोशिश कर रहे हैं। उल्टा सीन हो जाएगा भाई, तुम देखते जाओ बस। और पीछे भी बंदे आ चुके हैं। हाँ गिल्ली सूट वाला बंदा यहाँ पे, यहाँ मारो। अरे मेरा कद्दू भी नहीं है गिल्ली सूट वाला बंदा, अपन जहाँ पे आए हैं ना वो लोग पहले निकल चुके हैं, जहाँ अपन थे वो लोग वहाँ चले गए और अपन उनकी जगह पे आ गए। चल वापिस ले चलो भाई। बेकार घर है, इस पे उतार देता हूँ, पीछे से ना पड़े, पीछे से ना पड़े। दो बार नॉक हो गया, फिर भी बच रहा है, वो दूर से मार रहा है।
जोन है वो, दूर है, छोड़ो निकलते जोन में। अब बीपी वाला बंदा एक और बाकी था, लेकिन भाई वहाँ पे जोन नहीं रहता, इसलिए हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और गाइस अब हम लोग जा रहे हैं रिकॉल टावर पे, रिकॉल टावर चलते बंदे होंगे, और भाई वहाँ पर भी बहुत सारी टीम है, बस तुम देखते जाओ। गाड़ी लगी राइट साइड में, वॉच आउट, चलो गाइस इनकी तो पेटी बना दी है, बट यहाँ पर है अभी एक एमके वाला बंदा, तो देखो क्लोज रेंज लेने से कोई मतलब है नहीं, नेड लेते हैं और उड़ाते हैं। को नेड मिली तो नहीं है, दो नेड, जब भाई सामने वाले बंदे के पास अच्छी खासी गन है ना, तो देखो क्लोज रेंज लेने से कोई मतलब है नहीं भाई, अगर तुम्हारे पास ट्रेवल्स है ना तो उसका यूज़ करो। अब देखो जब मैं इसको देख रहा था ना, इस बंदे को, एमके वाले को, जब मुझे इधर कहीं से भाई उजी तो पड़ी थी, मैं उसी को, उसी बंदे को देख रहा हूँ, गया कहाँ वो। निकालो कारपेट पानी, भाई रिकॉल कर दे किसी ने, भाई ले पीछे तरह कोई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सेव होना, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, सेव रहना बस। पीछे तो हूँ कवर में, देख लो, वो लेफ्ट भागा, वो लेफ्ट भागा, लेफ्ट जा रहा है वो। थैंक यू। अब भाई यहाँ पे इतने सारे बंदे ना, मैं क्या ही बताऊँ, मैं बोलता हूँ कि भैया मैंने सामने एक बंदे को नॉक किया, इनकी ऐसी तेजी करन दो, उजी मुझी वाले बंदों की पूजी चलान दो, इनको सामने रश करो जहाँ पर अन्य बंदों को नॉक किया है। कालीन हाथ मार दो, ये तो रे राइट में, अब यहाँ पे मैंने एक बंदे को और नॉक कर दिया है, और यहाँ पे बंदे भी थे, लेकिन यार दिक्कत की बात ये रहती कि मेरे पास एमओ भी नहीं रहती और भाई जोन भी नहीं रहता वहाँ पे, तो हम लोग फटाक से पहले जोन में आते हैं और वो बंदों को भी जोन में आना है, इसलिए तुम्हारा भाई उनका इंतजार कर रहा है। और गाइस देखो अब क्या होने वाला है, 15 एमओ मेरे को, मुझे मारा था साला। चलो गाइस कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक बंदे को तो लपेट दिया है, फटाफट रश करते हैं अब और भी बंदों के ऊपर। भाई सही में इन लोगों का जो काटा है ना मेरे टीममेट ने, क्या ही बताऊं भाई, मैं कुछ नेट कुक करके रखता हूं और मेरे टीममेट वहां से फायर करता है गेट खोल के, उन्हें लगता है कि बंदा यहीं से रस करेंगे, लेकिन भाई बंदों का गलत ही कट जाता है। खैर जो भी है, यहां पे एक बंदा और बाकी रहता है, अंदर भाग जी। अब देखो यार जोन हो चुका था छोटा और बंदे भी जो है कम बचे थे, लेकिन हाँ जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं तभी हमें सामने की तरफ 3-4 बंदे दिखते हैं। क्या करना है बस, मार्क द लोकेशन, वॉच आउट, और एक टीम हमें वहां पर भी दिखती है। और गाइस अब होने वाला है मेरे साथ और मेरे टीममेट के साथ बहुत खतरनाक वाला गलत सीन, बस तुम देखो होता क्या है। यू मत उतरा करो, कैसे उतरते हो, पोर्टल ट्राई करो बनाने का, बच जाना बे, अरे तेरा ही गलत लग गया। गिली सूट वाला पीनअप बे देख के,
भाई इसे कहते हैं फूटी किस्मत। देख रहा हूँ मुंह पे जाके रुके हम लोग इन बंदों के। और भाई एक तो इतनी मुश्किल से मैंने इन बंदों को मारा, मेरे टीममेट भी मर गया और साथ में मेरे को किल भी नहीं मिले। भाई किल चोरी कर लिया यार बंदों ने। खैर जो भी हो, यहाँ पर अब बच चुके कुल मिला के गाइस 4-5 बंदे। तो देखो अब। अबे नहीं, मैं पोर्टल लगाया 3 बंदों के मुंह पे, तुम तो निकल गए, लेफ्ट मुड़ गए। तो तुम्हारे को मारने के चक्कर मेरे में लग गई सारी गोली उनकी, सीधा उन पे निकल गया। पोर्टल महंगा पड़ गया भाई। अरे यार गया है, घर में भी लग रहा है। कितने मार रहे हैं? पीछे लगाना। नहीं बे, हट भैंस की आंख, लास्ट बंदा था। अरे यार गाइस सच में एक लास्ट बंदा बचा था, अगर ये मर जाता ना तो अपना चैलेंज कंप्लीट हो जाता। वैसे भी 29 किल हो चुके थे, सिर्फ और सिर्फ एक ही किल की तो कमी है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने चैलेंज कंप्लीट किया है? अगर लगता है तो हाँ कमेंट करके मेरे को बताओ, और आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी वो भी मेरे को कमेंट करके बताना। और हाँ गाइस, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। तो चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था, मैं मिलता हूँ गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना गाइस। लव यू ऑल, मिलते हैं गाइस आप लोगों को जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।